आपलीच भाषा नाही तर आपल्या देशाच्या भाषा सगळ्या शिकायच्या ही भावना त्यांची होती. आणि दुसरी गोष्ट, इंडिया नावाचं एक साप्ताहिक पण त्यांनी चालवलेलं होतं आणि म्हणून त्यांच्या या ह्याच्या निमित्तानं, त्याला काय म्हणतात की त्यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं आपल्या देशानं असं ठरवलं की आपण भारतीय भाषा उत्सव साजरा करूया आणि म्हणून आजचा कार्यक्रम आपण इथं ठेवलेला आहे. या ऍपच्या माध्यमातून जवळपास 5 ते 10 हजार लोकांच्या पर्यंत रोज ऐकला जातोय आणि 90.8 हे ट्यून केल्यानंतर सातारा शहर पूर्ण आणि साताराच्या बाहेरपर्यंत याचं प्रसारण जात आहे. आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि ह्या शुभेच्छा काम येतील ज्यावेळेस तुम्ही सगळेजण तिथं रेकॉर्डिंगसाठी येतात. धन्यवाद. सगळ्या मुलांना, मुलींना आणि सगळंच मनोगत व्यक्त करणाऱ्या सर्वांना मी मनापासून शुभेच्छा देतो. आणि जाता जाता फक्त सांगतो, अनेक भाषांचं ज्ञान असणं कधीही चांगलं असतं. अनेक भाषांचं ज्ञान असणं कधीही चांगलं असतं कारण वेगवेगळ्या भाषेमध्ये प्रचंड असं ज्ञान त्या ठिकाणी विस्कटलेलं आहे. ते सगळं गोळा करून आपल्या ज्ञानात भर घालण्याच्या दृष्टिकोनातून आपण सर्वांनी प्रयत्न करावेत अशा प्रकारची विनंती करतो. थांबतो. जय हिंद, जय कर्ण. और मुझे मुश्किल भी रहने आ रही हूँ. हूँ जो इस टाइम छत्रपति शिवाजी कॉलेज सतारा में पढ़ने लगी हुई. इस टाइम वो अपना ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर में हूँ और वो अपनी ग्रेजुएशन हिस्ट्री में परस्यू करने लगी हुई. हूँ जम्मू कश्मीर की एक गुजर बकरवाल कम्युनिटी को बिलोंग करूँ जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है. गुजर बकरवाल एक नोमैडिक वेस्टर्न कम्युनिटी है जिड़ी के सीजन टू सीजन प्लेस टू प्लेस शिफ्ट होती रहे. और इस तरह के लोग सर्दियों में जम्मू आ जाएं और गर्मियों में लोग कश्मीर चले जाएं सीजन्स की वजह से. ये लोग अपनी जानवर अपना माल मवेशी के नाल नाल ही अपनी जी शिफ्टिंग है वे प्रिविलेज प्रैक्टिस करें. और ये अपनी भेड़ बकरी जी जानवर है इनको मेन माल मवेशी है नाल भैंस और गां ये इनका मेन माल मवेशी हैं. और इनको इनकी रोजी रोटी चला है. इनको मेन फूड जो है वो है मक्खन लस्सी और पहाड़ी साग और चिकन. और इन लोगों की जी लैंग्वेज है वह गुजरी लैंग्वेज है. इस मतलब इस टाइम लोग मैंने सुने लगा वा इनका अपना कल्चर है जो इनका लोग हुए वे सिंपल सलवार सूट पहने और जो आर्मी लोग हुए वे भी सिंपल सलवार सूट पहने. और जिस तरह की जो ये एक पहाड़ी कम्युनिटी है सारे लोग इस तरह नहीं होता कि वे अपनी भेड़ बकरे नाल ही शिफ्ट होता है. कुछ इस तरह की एज में सोसाइटी के नाल एजुकेशन स्प्रेड हुई वे लोग भी इवॉल्व हो गया. उन्होंने अपना बच्चा ना भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई. और इस टाइम पर बिना भी ऐसे कि ओपन भी जो एक इंसान हो उसी कम्युनिटी को बिलोंग करो लेकिन इस टाइम हर समय सारे लोगों के सामने खड़ी हुई और अपना कल्चर का रिप्रेजेंट करने की सारा समय है. और मेरा इस चीज को बहुत फख्र है. और इस तरह इतना बहुत सारे लोग हैं हमारी कम्युनिटी को वे बहुत नोटेबल लोग हैं. एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर है शाहिद इकबाल सर. उन्होंने हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी का लोगों वास्ते बहुत कुछ किया है. उन्होंने अपनी कम्युनिटी का लोगों का बच्चा ना हॉस्टल्स प्रोवाइड कराए हैं, फ्री रेजिडेंस प्रोवाइड कराए हैं जो पहाड़ी इलाका का लोग हैं. और वे इस टाइम शहरों में आ गए अपनी तालीम में जुड़ी वह मुहैया करने लगा वा और अपनी सोसाइटी ना आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा वा. मेरा पेरेंट्स की मदद तो उनकी ओपन माइंडेड थिंकिंग की वजह तो इस टाइम हूँ कि तू अपनी होम प्लेस तो इतनी दूर और इतना आगे अपनी जो एजुकेशन है वो परस्यू करने लगी हुई. और मेरा इस चीज़ को बहुत फख्र है. और हमारा इस तरह बहुत सारा लोग हैं जो जिस तरह हर सोसाइटी में हर कम्युनिटी का हर तरीका का लोग का टैलेंट पाया जाए तो हमारा जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल कम्युनिटी में हर किस्म का टैलेंट था वो चाहे वे डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, इंजीनियर्स हों, IAS ऑफिसर्स हों या आर्मी का कोई ऑफिसर्स हों हर तरह का बच्चा हों कुछ हिस्सा लोग हों जो अपनी रूट्स के नाल कनेक्टेड रहें तो अपनी कल्चर में ही प्रैक्टिस करें. और कुछ लोग सोसाइटी के अगर बढ़ गए सोसाइटी की भी मदद करें. और उम्मीद करो तुम लोगों ने मेरी थोड़ी बहुत समझ आई होगी.
और जी जिस भाषा में मैंने लेना सुने वह गुजरी भाषा थी और इस सिनार में अपना शब्द इंक्लूड कंक्लूड भाषा या मतवह की था अतद्वाद शोध्याय अर्जुना उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां केयो दीप्तः श्रीभगवान् उवाच मय्या विश्वमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ता तमामता ये त्वक्षरमणि हृदयम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च पुत्तस्थानचलन्ध्रुवं सन्नियम्यन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हि ते रता क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तां सप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अरण्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्युसंसारसागरात् भवामीन च रत्नरथ मय्यावेशीतचेतसां मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतुर्भङ्ग संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्तुं धनञ्जय अभ्यासे प्रसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धे भवाप्स्यसि अधैर्दशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मना श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखा सुवक्ष्यामि सन्तोषतत्त्वं योगे यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्वेकमनबुद्धि यो मद्भक्ता समे प्रिया समशत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो शितोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गाभिवर्जिता तुल्यनिन्दास्तिरमौणि सन्तुष्टो येन केनचिता अणिकेतस्य रमतिर्भक्तिरमान्मे प्रियोनरा नेतुधर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मतवर्मा भक्तास्तेति मे प्रिया हरि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्री कृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोग नाम द्वादशोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरये ते जम्मू जिहड़ा शहर है वो मंदिरां दा शहर भी आखिया जांदा है ते उत्थे ज्यादातर लोग डोगरे न ते डोगरे लोग ने जिहड़े उनकी मातृ भाषा डोगरी है जियां महाराष्ट्र की मातृ भाषा मराठी है ते गुलाब सिंह जी जिहड़े है उन्हें निर्माण किया हा डोगरे दा ते वो पहले राजा है जम्मू दे कश्मीर दे डोगरे लोग हिंदुइज्म ही फॉलो करते हैं ते जम्मू च बहुत सारी जगह ने घूमन फिरन दिया ते वो तीर्थ यात्रा आस्ते भी मनी जंदियां जियां के एक फेमस जगह जम्मू दी माता वैष्णो जित्थां जित्थों दे दूरा दूरा लोग आंदे ने मतलब यात्रा करने आस्ते ते मैं अपने आप नूं बड़ी भाग्यशाली मननी आ कि मैं ते माता दे चरणा च रहनी आ ते मैं जद भी घर जन्नी आ ते मैं जरूर माता कोल जन्नी आ ते दर्शन करनी आ ते जम्मू दे जेड़े खान पीन दी चीजां ने जम्मू च ओ अंबल राजमा चौल पत्त ते कन्ने छोले भठूरे कसरोड़ ढोडा ते साग ने ते जम्मू दी जेड़े औरतां ओ सलवार कुर्ते दुपट्टा पांदियां ने ते जेड़े मर्द ने ओ कुर्ता ते पजामा पांदे ने ते उन में इसी एक दो लाइना बोलिए मतलब दो लाइना गीत बोलिए मैं खत्म करना चाहनी हां जेड़ी की डोगरे दे ऊपर है मिठी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे एदा मतलब है कि जो मतलब जो वहां के लोग हैं उनकी बोली तो बहुत मीठी है लेकिन उससे भी ज्यादा उनका जो स्वभाव है वो मीठा है धन्यवाद फंक्शन है तो इसमें अपनी अपनी लैंग्वेज में बोला जाता है तो मैं भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो अभी मैं अपनी खुद की लैंग्वेज में आपको बोल के बताता हूँ मेरो नाम रजब अली है तो हूँ जम्मू कश्मीर का एक पूंछ जिला से बिलोंग करूँ जिस तरह के तम ना छपनम ना पहले दस्य है कि हम एक ट्राइबल कम्युनिटी मतलब से बिलोंग करा और दूसरी जड़ी मेन गल है कि जड़ी छपनम पहले आई थी वह डिस्ट्रिक्ट रियासी से बिलोंग करे और जो हूँ हूँ वह डिस्ट्रिक्ट पूंछ से बिलोंग करे तो मेन चीज़ जड़ी है वह यह है कि हूँ एल ओ सी से बिलोंग करूँ जो मारो एरियो है वो सारो एल ओ सी है नॉल है तो उतना लोगों ना बहुत प्रॉब्लम जितनी भी मतलब डिस्लेशन जोन है क्योंकि मैक्सिमम टाइम
शेयरिंग प्रोन एरिया वो लोगों ना अपना जरा माल मवेशी है अपनी जितना भी फैमिली मेंबर है तो जब शेयरिंग स्टार्ट हुआ था उसमें उन्होंने बहुत परेशानी आ जाए तो उस वे वे की करें कि माइग्रेट हो जाए 2008 से पहले पहले जरा हम बिल्कुल बॉर्डर का नज़दीक रहा था उसके बाद क्या हो गया कि 2012 के बाद हम सिटी में शिफ्ट हो गया हमारा जरा डैडी ने डिसीजन लियो कि यार ये मतलब शेयरिंग वाला एरिया है उसके बाद बहुत दिक्कत है उसके बाद हम सारा शिफ्ट हो गया सिटी में है वो जम्मू कश्मीर का एक एंड डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर एक अलग डिवीजन है जम्मू एक अलग डिवीजन है जम्मू के एंड में और कश्मीर के एंड में जहाँ पे सेंटर पॉइंट है उनका वहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट है और वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो पाकिस्तान के साथ में दैट मीन कि उसकी जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है तो मेरे एरिए में शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा मतलब जब आज से पहले 2020 से पहले इतनी शेडिंग होती थी कि मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ हमारे एक रिलेटिव थे सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे सारे मेंबर बैठ के 5 मेंबर थे वो उनके घर पे शहीद पड़ा सुबह के और सब के सब शहीद हो गए 5 के 5 उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पापा ने ये डिसीजन लिया कि यहाँ रहना हमारे लिए सेफ नहीं है इवन देन के हमारे जो यहाँ के हमारे नौजवान फौजी हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है बंगल्स बनाए हुए जब शेलिंग होती है तो हम उन बंकर्स में चले जाते हैं बंकर्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं तो उसके ऊपर जो मतलब छत की जो लेयर होती है वो बहुत मोटी होती है तो वहाँ पे शेल जो है वो अफेक्ट नहीं करता इस वजह से वहाँ के लोग सेफ हो सकते हैं लेकिन वो तभी जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस टाइम शेल आने वाला है मगर वो एक ऐसा ऐसी सिचुएशन होती है शेल कब गिरेगा कहाँ से आएगा किसी को कुछ पता नहीं होता है तो अब एक घर में एक तो बंकर्स दिए नहीं जा सकते जगह जगह से चेंज जब होते हैं तो हमारी गोष्ठी में थोड़ा अंतर आता है ऐसे हर एक लैंग्वेज में होता है रीजन के हिसाब से तो ठीक है यही कुछ मुझे बताना था ओके थैंक यू सब चैन वैन छिन जाए कुछ ना बाचेला इश्क न चावे यार दीवाना नाचेला हो इश्क न चावे यार दीवाना नाचेला दैट वी सी व्हाइल स्लीपिंग दैट ड्रीम इज नॉट दैट that we see while sleeping, but in reality, dream is something that does not let you sleep. So, as you know, we are today's Cultural Heritage Day. Let me explain what is actually Cultural Heritage Day. It means we have expressed our native languages. We have remembered it, so it doesn't matter all our year, what we spoke, it doesn't matter, but in this particular day, we have to remember our native language. So, unfortunately, I have to speak in my native language. I can't connect with you in English language. So, let me speak in my native language. Mishna Irfan Bashir Mir, which is Jammu Kashmir's district, Anantnag, is Rosam. You are south of side of Kashmir, is located. So, first of all, we are on Kashmir's history month from British India to 1947. When India got independence. British India's was Kashmir, princely state, the ruler was Maharaja Hari Singh. Maharaja Hari Singh was ruler. If India's independence get good, if India's independence has a good, a Sarnish fight themselves, princely state can ruler on the choice. Either they could join India, either they could join Pakistan, either they could remain independent. So it was the choices in front of the rulers of the princely states at that time when India got independence. So is the Maharaja Hari Singh was thinking this get choose here was independent. But unfortunately, October 1947, is in Pakistan government and tribalist sent where Kashmir is association Kashmir is captured. Karu. So Maharaja Hari Singh usne help mangi government of India se. But government of India refused completely at that time because Kashmir was not part of India at that time. So Sardar Vallabhbhai Patel ne ek condition rakhi in front of the Maharaja Hari Singh. Usne usko kaha ki hum aapki help kar sakte hain ki is karwa se help but aapko pehle usse pehle instrument of accession ki sign karni hogi. So finally shart wo October 1970 aur suddho yam dosan Maharaja Hari Singh sign kor instrument of accession is where for Kashmir go merged with India. So now I am going to talk about their agriculture practices, fruits, crops which are grown in Kashmir, Jammu and Kashmir.
So, there's a famous proverb to Jammu and Kashmir, in English we call it maize. Maize is the main crop which is grown in Jammu and Kashmir. After that, wheat is the second one, which is also grown in Jammu and Kashmir. These are the main two crops which are grown in Jammu and Kashmir. Now I will talk about their fruits. Kashmir we call it Soon. It's a most days Kashmiras must grow chikaran. Empache Tangas Kashmiras must grow chikaran. Empache Chiara or Nan Hisabche 80% of the population is in Jammu and Kashmir engaged with agriculture. So Empache we have some talk about the famous places. Jammu and Kashmiras must nature of Jammu and Kashmir. Kashmir two things are famous. One to Kashmir's beauty, second to snow, is a sheen to Kashmir's Muspiawan. So, as well, it's winter challenge in Kashmir's temperature to minus Chalantai, Lagbag, sheen type Piawan. As we can guess, because it is winter going, so sheen as Lagbag type Piawan is month of the December, yeah, it's going the winter there. So, we all know that Kashmir is famous for two things. One is snow, second one is nature. So, when it goes for 1 year, some famous places in the Kashmir's Munchu, Tatmushuman, Dalai, Usam, Srinagar's Munchu, Gulmara Chiman, Anantanak's Musam, Yam Lakhs, most famous Lakhs, and Kokarnak's, that was one of the Lal Chok Chisan, situated to Sensor Anantanak's Musam, Timpachu, Mata Vashni Devi, Mandirs in Jammu and Kashmir's, Jammu's Munchu, located, and Patishwarya famous places, even Musam. Series, Yatsam Chikya, Ashkara visit, Akek Bar. So it was all about my Jammu and Kashmir, it was little and एक मात्र भाषा है जो सभी राज्य में बोली जाती है और हिंदी भाषा हमारी भारतीय भाषा है जहाँ पाकिस्तान में बोली जाती है और हमारे इंडिया में भी बोली जाती है और मैं आपका जो साहित्य और जीवन के लिए इस विषय पर कुछ बताना चाहता हूँ साहित्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे साहित्य अगर हमारे जीवन में साहित्य न होता तो हमारे महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास हमें कभी पता नहीं चलता महाभारत रामायण हमें कभी पता नहीं चलता अगर साहित्य लिखा नहीं गया होता तो हमें कैसे पता चलता रामायण कैसे था महाभारत कैसा था और हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे थे साहित्य लिखा इसलिए इनका इतिहास हमें पता चल गया साहित्य इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि साहित्य हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि नम कर्नाटक ಎಲ್ಲಾ ತರ ಗೋಳು ಗುಮ್ಮಟ ಅನಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಐತೆ ಇದೇ ತರ ಐತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಗದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಡಿದಾಗ ಮಳೆ ಇರಲ್ಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅದು ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ಊರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮೂರು तिकडून इकडे कसं काय आला तिकडून आपलं सगळं सांगली जिल्हा विटादाग ना मनीगिनी एला स्वंत मनी एला ना कटीसी सांगली जिल्ह्यादाग ಒಂದು 20-30 वर्ष आहेत ना एला इरा किल्ले आहे सांगली जिल्ह्यादाग विटादाग मोठ्याला 20-30 वर्ष केले हो सर घरी गेले आता जे मूळ गाव होतं त्याची काय आठवणी वगैरे आहेत का लहानपणीच्या ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬಂದು ಊರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಯಾತ್ರಾ ಅಸಲ ತರಿ ಏಕ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ದೋನ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸ ಕದಿ ತರಿ ಗಾವ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ ಗಾವ ಕಡೆ ಬಿ ಜಾತ ತೆವಾ ಕೆ ಮಂತಾ ಕಿ ಕೆನ್ ಛೋ ಪಂಜಾಬಿ ಮದೆ ಜತ ಬೆಟ್ಲೆ ತರ್ತಿ ಕಾಯ್ ಬೋಲ್ತಾ ಸತ ಶ್ರೀ ಅಕಾಲ್ ವಾಹಿ ಗುರು ಅಸ ಬೋಲ್ತಾ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮದೆ ಮಂತಾ ಖಂಬಾ ಗಣಿ ಅಣಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮದೆ ಮಂತಾ ಕೆನ್ ಶೋ ನೀ ಪರ್ವೈ ಆದಾ तेलुगु मध्ये म्हणता नमस्कार सगळ्याचा अर्थ तोच आहे की एकमेकांना भेटल्यानंतर आपण नमस्कार जसं बोलतो तसंच विविध भाषांमध्ये असं बोलतो मला या ठिकाणी एक थोडंसं बंगाली मध्ये मी तुम्हाला या ठिकाणी एक चार पाच जी काही वाक्य आहेत माझ्याकडे
ती बोलून दाखवणार आहे. नमस्कार, ते काय म्हणतात, नमस्कार. केवळ आहोत खुशी हसा होतो, खुशी हसा होतो हसा दौर का. आपण खुशी थाकून आर ओनो देर के ओ खुशी देखुना. आपनी खुशी खुश पालो, आपनी खुशी खूब पालो, किंतु आपनार कारणे ओनो लोग खुशी, ओनो लोग खुशी आहो एता आरो भालो. स्टेज ए उपस्थितो सोब विशिष्टो व्यक्तिगणो, सोब शिक्षको सोब छात्रो नमस्कार. आमी प्रोफेसर डॉक्टर रोशनारा शेख आपनार सोबाई एई कार्यक्रम ए सबोर आप आपनी खुशी थाकुन.